लेटरल एपिकंडाइलाइटिस, टेनिस एल्बो या कोहनी के बैरूनी साइड पे दर्द के मरीज के हवाले से हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये ज्यादातर किन अफराद में होती है, इसका कॉज्वेटिव फैक्टर क्या है और इसके पैथोलॉजिकल फीचर्स क्या है, यानी ये इंजरी कैसे प्रोग्रेस करती है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लान टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकंडाइलाइटिस के मरीजों में देने से पहले आपको रूल आउट करना है कंडीशन इज आइदर एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट से मुराद कि इंजरी का डिवेलप होना सडनली बट फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉनिक मींस स्लो प्रोग्रेशन बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक्यूट फेज में आप टेनिस एल्बो के मरीज को 20 मिनट्स की आइसिंग रिकमेंड करेंगे। आइसिंग की बेसिस लुईस हंटिंग रिएक्शन है जिसमें अल्टरनेट साइकल्स होते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन वेसो डायलेशन के। आइसिंग के बाद आप सप्लिंट रिकमेंड करेंगे फॉर सेक ऑफ इमोबिलाइजेशन एंड टू रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द पर्टिकुलर एक्सटेंसर्स मसल्स ऑफ द एल्बो। स्प्लिंट आप रिस्ट एक्सटेंडेड पोजीशन में अप्लाई करेंगे फॉर 2 to 3 weeks। स्प्लिंट को आपने रिमूव तब तक नहीं करना जब तक आपका मरीज एक्सटेंडेड रिस्ट पोजीशन रेजिस्टेड फेस में पेन फ्री करने के काबिल हो जाए, यानी रिस्ट की एक्सटेंशन रेजिस्टेड अगर पेन फ्री फील हो जाती है मरीज को तो आप स्प्लिंट रिमूव कर सकते हैं। एंड नंबर थर्ड, इन द एक्यूट फेज इलास्टिक टेपिंग इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हीलिंग। अगर हम क्रॉनिक फेज की बात करें उसमें नंबर वन है थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो आप 10 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे कंटिन्यूस मोड पे जो असिस्ट करेगा रिहैबिलिटेशन में। इन द क्रॉनिक फेज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डीप फ्रिक्शन मसाज फॉर 10 मिनट्स फॉर इनिशियली 4 to 5 days। डीप फ्रिक्शन मसाज विल हेल्प इन रिलीजिंग द ट्रिगर पॉइंट्स। थर्डली, इन द क्रॉनिक फेज यू कैन आल्सो रिकमेंड लेजर थेरेपी दैट विल आल्सो हेल्प इन रिहैबिलिटेशन इन प्रमोशन ऑफ हीलिंग and in releasing the trigger points that will ultimately lower down or decline the pain of patient. अगर आपको ये वीडियो beneficial लगती है, informative लगती है, knowledgeable लगती है, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।